नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों का दौरा करते हुए मुरादाबाद पहुंचे। इनके स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनपद की सीमा से एक स्वागत जुलूस निकालना शुरू कर दिया था, जो एमडीए स्थित एक होटल तक चलता रहा। दरअसल भाजपा की युवा मोर्चा की बागडोर प्रियांशु दत्त द्विवेदी को सौंपी गई है, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से होते हुए मुरादाबाद पहुंचे। उनके स्वागत के उस समय भाजपा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर बैठे। अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में एक साथ भीड़ लगा बैठे, और जब इनका काफिला सिविल लाइन थाना इलाके के कांट रोड पहुंचा तो वहां जाम लग गया। काफी देर तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। एमडीए स्थित एक होटल में मीडिया से बात करते हुए प्रियांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि उनकी भाजपा की सरकार में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो सकता। दरअसल वो कुछ मीडिया हाउसों पर चल रही छापेमारी के विषय में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं तो मास्क लगा रहा हूँ और सब नौजवानों से आग्रह भी कर रहा हूँ मास्क लगाने के लिए। उत्साह है। अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया था, 15 तारीख तक हर नौजवान लगा हुआ था कि देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, और कोरोना के संबंध में एकमात्र चारा वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीन ज्यादा ज्यादा लगे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उत्साह के कारण लोग निकल रहे हैं, बाकी इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने अपना उत्तर दे दिया। जी निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जैसा होगा निकल के आएगा, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय की। इतना कह सकते हैं कि हमारी सरकार किसी द्वेष भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती।